कैसे हो आप? आई थिंक सब बढ़िया ही होंगे। तो आज जा रहे हैं एक राइड पे, हम जा रहे हैं ढूंढने विनोद को। विनोद को हम ढूंढने जा रहे हैं, आगे का सस्पेंस आपको बताएंगे। तो प्लेजेंट मौसम है बहुत ज़्यादा, आओ चलो मिलते हैं, आपको दिखाते हैं विनोद। सो फाइनली पहुंच गए हम हवेली पे, अभी मिलते हैं, दिखाते हैं हमको हवेली। और ये हम पहुंच गए हैं हवेली पे, और हाय हमारे साथ धोखा आई थिंक हो गया है। लुक एट द व्यू। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हवेली पे, बट लेकिन अभी ये बंद है। टाइमिंग उसमें दिखाया था 7 बजे का, बट लेकिन अभी ये उन्होंने बता रहे कि 8 बजे ओपन होगा। सो हमें वेट करनी पड़ेगी, तब तक हम कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। आप देखो तब तक फोटोग्राफ की शॉट। यहाँ पे हमें वीडियो बनाने नहीं दे रहे, कहते वीडियो अलाउड नहीं है। अब क्या करें, यहाँ के मैनेजर ने बोला है, क्या कह सकते हैं? देखते वो सामने खड़ा है मैनेजर, क्या करें। अभी करेंगे कुछ फोटो वगैरह, वीडियोस वगैरह आपको दिखाएंगे इसकी, के एग्जैक्ट में हमारी अमृतसर हवेली कैसी है। हवेली में आपको काफ़ी, मतलब जो पंजाब का पहले का जो कल्चर था, जो अभी भी है वैसे भी, अगर आप कोई भी चले जाते हो ना, जहाँ पे कहीं पे भी अगर आप कोई विलेज वगैरह पे चले जाते हो, ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा ऐसा, जो भी ऐसा मतलब आपको कल्चर मिल जाएगा कि कैसा मतलब लगता था एक्चुअल में पंजाब कैसा है। जो विलेज में अगर हम जाएंगे तो प्योर देसी मतलब कैसे लगता है। जो भी आर्किटेक्ट यहाँ पे बने हुए हैं आपको वो दिखाता हूँ एक बार।
सागर कैसा लगा? Awesome भाई। जैसे जैसे सुबह थी तब तक तो ठीक था, बट अभी जैसे जैसे आ रहा है सन थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो अभी तो थोड़ी सी गर्मी हो रही है। तो अभी आपको दिखाते हैं जो भी टिपिकल जो मतलब हमारे जानते हैं पंजाब में भांगड़ा के लिए, तो एक्चुअली उसकी एक झलक दिखाते हैं आपको कि कैसा मतलब लगता है इन्होंने स्टैचू में बनाया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एक बार आप देखो। सो अभी हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में जो विलेज की छोटी छोटी सी गलियां होती थी ना वो कैसी होती थी, एक आपको उसकी झलक दिखाते हैं पुराने टाइम में। ऐसी गलियां होती थी यार, देखो क्या ये एंटिक पीस है यार यहाँ पे। सीरियसली कितना अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके बनाया है, एग्जैक्ट जैसा होता था वैसा ही है बिल्कुल। मेरी नानी का घर था ना, मैंने छोटे होते जाता था तो ऐसा ही था बिल्कुल। जमात पहली मीन्स क्लासरूम। सरकारी प्राइमरी स्कूल, जिनको पंजाबी नहीं आती मैं समझा देता हूँ ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है। क्या बड़े बड़े गेट होते थे यार। महिंदर सिंह मेंबर पंचायत एमपी, यहाँ पे आई थिंक मुखिया की जो जगह होती है उसकी चेयर बनाई हुई है। ये है हमारी हवेली, अभी तो ये सारा बंद है, अंदर सारा ये रेस्टोरेंट है। इतनी बड़ी है हवेली यार। आपको जिस चीज का इंतजार था विनोद मिल गया। ये रहा हमारा विनोद, कहाँ था तू, तेरे को नासा वाले भी ढूंढ रहे हैं, अब भी आके मिला है। लाग कर रहा हूँ पता नहीं कौन है विनोद, फाइनली मिल गया। अच्छा लग रहा है यार, ये क्या डाला है, की कर ली पीछे। तो निकलने लगे हैं घर के लिए, काफ़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया, बहुत अच्छे थे भटूरे छोले इनके। अभी निकलने लगे घर के लिए, दे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, और निकलते अब आपको मिलते हैं घर। एक बात और, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप अभी राइड पे क्यों नहीं जा रहे हो, लॉकडाउन ओपन हो गया, आपने तो बोला था राइड पे जाओगे।
बिकॉज अभी मैंने चेक किया है जो जम्मू का भी है और हिमाचल का भी है, जम्मू में भी ई पास के थ्रू जाने दे रहे हैं, बट उसका भी एक रीज़न ये है कि वो कोविड 19 का टेस्ट पहले करेंगे उसके बाद देन जाने देंगे, उसमें टाइम काफ़ी वेस्ट होगा, तो पहले वो क्वारंटाइन करते हैं। तो हिमाचल वगैरह साइड पर भी ऐसा ही सेम है, तो अभी राइड किसी जगह पर भी करने को जा नहीं सकते क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। तो अभी जैसे थोड़ा सा नॉर्मल अभी तक नहीं होता तब तक तो नहीं जा सकते, जैसे अगर होगा नॉर्मल तो जाएंगे, तब तक हम आपको अमृतसर का जो पंजाब का है, पंजाब के अंडर जो भी है देखने वाली नई नई चीज़ें हैं वो आपको मैं दिखाता रहूँगा, मेरी वीडियो से आप देख सकते हो। फाइनली घर पे पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी अभी। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नोबल ब्लॉगर। वीडियो में कुछ अगर आपको गलत भी लगा है तो आप कोई भी बात नहीं, आप फिर भी मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई आपकी ये चीज़ गलत है, मुझे वो चीज़ भी अच्छी लगी ताकि उसको चीज़ को मैं और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, सो मिलते हैं गाइस, बाय बाय अगली बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, अपना अच्छे से ध्यान रखना और अपनी सारी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखना।